बहुत बढ़िया मेरे शेर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है सर, मेरी पेमेंट प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि पिछली 15 फाइट के बाद हम पहली बार जीत रहे हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है सर, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ जरूर। माँ, एक बहुत अच्छी खबर है। हम 15 फाइट हार तो चुके थे, पर एक नई उम्मीद की किरण सामने आई है। हमने एक बहुत बड़े रेसलर को हरा के एक और फाइट में अपनी पकड़ बनाई है। तो अब से हम इस केओ नाइट पे एक अलग रणनीति से काम करेंगे, और शायद अब इस जिंदगी में पैसा ही पैसा होगा, जिसकी उम्मीद मैंने बहुत सालों पहले की थी। पर मुझे अभी भी एक चीज़ का डर है, रॉबर्ट। वो अपना उधार लेने जरूर आएगा, और उसकी किस्तें वो तो डबल है। मुझे पता था इसे जैसे ही पता चलेगा कि मैं कुछ जीता हूं ना, ये जरूर आएगा। लो, ये आ गया। केओ चैंपियंस का दूसरा नाम है रॉबर्ट। और भाई, सुनने में आया है फाइट जीत के आ रहे हो। चलो अच्छा है, 15 साल बाद जीत रहे हो, पर जीत तो रहे हो। कहना क्या चाहते हो? वही कि मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? देखो, अभी मेरे पास जितने हैं मैं उतने तुम्हें दे देता हूँ, और बाकी के पैसे मैं तुझे बाद में दे दूंगा। कब का बाद में कर रहा है तू? तूने मेरे से पूरे के पूरे 5 लाख हारे थे, और पूरे के पूरे 2 महीने हो गए, यानी कि अब 15 लाख। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है रॉबर्ट, इतने किस्तें नहीं दे सकता कोई। तुझे देनी ही पड़ेगी, ये मेरी मनमानी है, और जिसको जो करना है वो कर ले। कल आखिरी दिन है तेरा, अगर कल नहीं मिली तो तेरे घर से सब कुछ उठा के ले जाऊंगा, सब कुछ। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम एक दिन के अंदर इतने पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे। मुझे पक्का पता है रॉबर्ट आज भी आएगा अपने पैसों को वापस लेने। मैंने उसको 10 लाख दे दिए हैं, बाकी के 5 लाख वो एक दिन में जुगाड़ करना आसान नहीं है। बात तो 5 लाख की ही हुई थी, पर 2 महीने देरी हो गई, और वो 5 लाख अब 15 लाख में बदल चुके हैं। मुझे नहीं पता कि अब हम क्या करने वाले हैं, और शायद वो आ भी चुका है। मैं देखता हूँ क्या करना होगा आज। तो कहाँ है मेरे बाकी के पैसे? 5 लाख बाकी थे। देख रॉबर्ट, एक दिन में 5 लाख का जुगाड़ करना मेरे बस की बात नहीं थी, अभी नहीं हो पाएगा। मैं तेरे को तेरे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ए चूतिया समझ के रखा है क्या मुझे? मैं तेरी माँ को उठा के लेके चला जाऊंगा, और अपनी माँ को लेने आ जाइयो जब तेरे पास तेरे पैसे होंगे। ये गलती मत करना, बहुत भारी पड़ जाएगा तुम्हें। अबे साले, पहले केओ नाइट की फाइट में तो जीत, फिर असली में मारने की कोशिश करना, समझा क्या? ये बॉडीगार्ड यूं ही लेके नहीं घूमता हूँ मैं, दम बनाया है खौफ। वो तो ठीक है, पर इस खौफ का अगर तू सही जगह इस्तेमाल करे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अबे साले, एक काम कर, इसकी बड़ी अम्मा को उठा के गाड़ी में भर ले और ले के चल साली गड्ढे पे, और जब तेरे पास पैसे होंगे तो आ जाइयो पैसे लेके, तेरी माँ को छोड़ देंगे, समझा ना? देख रॉबर्ट, मजबूरी का फायदा मत उठा, छोड़ दे मेरी माँ को, मैं तेरे को वापस कर दूंगा तेरे पैसे, थोड़ा टाइम और दे दे। बहुत टाइम दे के देख लिया, 2 महीने हो गए हैं, अब तुझे मैं घंटा टाइम नहीं दे रहा, जब पैसे हों तब आइयो, और 5 की जगह 10 लाइयो, ठीक है ना? रॉबर्ट ये बहुत गलत है। रॉबर्ट सुन मेरी बात। अब क्या हो गया? मैं तेरे को वापस से चैलेंज करता हूँ केओ नाइट की फाइट में, आ जाना, और इस बार बैठ 20 लाख की होगी। टाइम तेरा होगा, चल एक बार और हारने के लिए तैयार हो जा।
अरे सर आप यहाँ सुनो, 15 फाइट के बाद हम एक फाइट जीत हो चुके हैं, पर एक फाइट और है, जिसको जीतते हैं तो फिर जिंदगी भी आराम की होगी और सारे कर्ज भी मिट जाएंगे। हाँ सर, कैसी फाइट है वो? वही फाइट रॉबर्ट से है। सर रॉबर्ट से फाइट करने की औकात नहीं है मेरी, माफ करना। क्योंकि उसके पास एक नया इक्का आया है और उसका नाम भी इक्का ही है, और उसके सामने इंसान नहीं टिक सकता सर, कोई भी इंसान नहीं टिक सकता। क्या ऐसा क्या है उसमें? सर मैं एक आदमी को जानता हूँ जो उससे फाइट कर सकता है, वो आपको मौत हाउस पे मिलेगा। वो आज से 15 साल पहले तो बहुत लड़ाइयाँ जीतता था, पर अब का नहीं पता। मैं मिल के आता हूँ उससे। ठीक है। कौन हो तुम? यहाँ पे क्या करने आए हो? देखो तुम मेरे लिए एक फाइट लड़ोगे, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं तुम्हारे लिए फाइट कैसे लड़ूं? मेरे दोस्त, मैंने 15 साल पहले लड़ाई झगड़े छोड़ दिए हैं, और केओ नेट की फ़ाइट से तो मैंने कब की रिटायरमेंट ले रखी है ना, तो अब तो मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। प्लीज़, तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, बताओ किससे लड़ना है? रॉबर्ट से। रॉबर्ट? रॉबर्ट यानी इक्का? और इक्का से लड़ना इंसानों की बस की बात ही नहीं है ब्रो। सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कोई और फाइट हो तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। पर ऐसा क्या है इक्का में? वो बताने की बात नहीं है, तुम अपनी आँखों से ही कभी देख लेना। वो जीता जागता हैवान है, इंसानियत नहीं है उसके अंदर, वो बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को समझने के लिए, ऐसा मेरा फर्ज था। तुम जाओ अपना काम पे ध्यान दो, रॉबर्ट से लड़ाई करना है तो किसी ऐसे को ढूंढो जो दुनिया को हरा सके, वही हरा सकता है उस इक्का को। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, ना तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है, ना तो मेरे पास मेरा परिवार है, और ऐसा कोई मिला भी नहीं जो रॉबर्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। सिर्फ सब यही कह रहे हैं कि रॉबर्ट के पास इंसान नहीं जादुई शक्तियाँ हैं, कौन लड़ेगा मेरे लिए? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? किसने बुलाया तुम्हें? ये क्या बात हुई? कौन हो तुम? केओ चैंपियन? पर तुम्हें ये चैंपियनशिप कहाँ से मिली? कौन हो तुम और कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ से मिली तुम्हें ये चैंपियनशिप? क्या तुम मेरे लिए एक फाइट करोगी? शायद इसका मतलब है हाँ, पर ये बोलती नहीं है कुछ, हद है भाई। पर मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा उस फाइट में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। शायद ये भगवान का भेजा कोई दूत है। तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया, जब फाइट होगी तो मैं तुम्हें याद कर लूँगा। पर मुझे नहीं लगता कि रॉबर्ट से कोई भी जीत सकता है। वैसे कोशिश बढ़िया है तुम्हारी, उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीद पे खड़ी उतरोगी। तो फिर ठीक है, जिस दिन वो केओ नाइट की फाइट होगी मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा, और शायद से ये कोई सपना नहीं है, मैं यह हकीकत देख रहा हूँ। अरे ऐसा कौन है रे जो इक्का से लड़ने आ गया? किसको इक्का का नाम नहीं पता? अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करता क्या वो? जल्दी बुला रे लौंडे। रुको जरा, सबर करो, इतना परेशान क्यों होते हो? आएगा,
और अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस जो बना के रखा है ना तुमने, वो भी तोड़ेगा। तो बुला ना जल्दी।